स्ट्रेस की वजह से मेरे बाल काफ़ी गिर रहा थे और डैमेज भी हो रहा थे। हीट टूल्स के वजह से ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे बालों की शाइन हेल्थ दोनों ही ख़राब हो गई थे। इस रेजिम की वजह से मैं अपने बालों की शाइन एंड हेल्थ को रिस्टोर कर पाई एंड आज मैं आपके साथ उस प्रोडक्ट के बारे में शेयर करूंगी। ये प्रोडक्ट है फ्लिक्स रोजमेरी हेयर ग्रोथ रेजिम। इस रेजिम का वो प्रोडक्ट जिसने मेरा हेयर लॉस को कम करने में हेल्प किया। और रोजमेरी एडवांस हेयर ग्रोथ सीरम मेरी सिस्टर ने मुझे हेयरफॉल के लिए रोजमेरी ऑयल यूज़ करने के लिए रिकमेंड किया था, तो मैं ये वाला प्रोडक्ट खरीद लिया। अब मेरे हेयरफॉल काफ़ी कम हो गई है एंड मेरा बाल काफ़ी बेहतर हो गई है। ये सीरम काफ़ी लाइट है, इजी टू यूज़ है एंड विजिबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन सी मेरे फोरहेड पर कुछ भी हेयर ग्रोथ हो रहा है, मेरे बाल काफ़ी हेयर लॉस तो हो चुका था। इसके शैम्पू एंड कंडीशनर से मेरा बाल हो गई है और साथ में ईजी टू मैनेज भी। इन प्रोडक्ट्स तो यूज़ करने के बाद अपने बालों में मेंस सच में पॉजिटिव डिफरेंस देखा है। इस सीरम में है पावरफुल मिक्स ऑफ 3% ट्रेंडेसिल, 4% अनागेन एंड रोजमेरी ऑयल, जो कि बालों के हेल्थी बनाता है और मजबूत है। इसमें प्लांट बेस्ड पोटेंसी जैसे कि अनागेन एंड बाइकेपल है, जो हेयर फॉल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, जिससे आपके बाल ओवर टाइम घने और थिक होते हैं। टू मैंने आपसे स्कैल्प पर मसाज करने के लिए मैं इसे अब ओवरनाइट शो दूंगी और नेक्स्ट मॉर्निंग हेयर वॉश करूंगी। अगर से आपके फेस पर गिरता है तो इमीडिएटली उसे पानी के स्वाइप करना है एंड फेस वॉश करना है, क्योंकि इसके वजह से हेयर ग्रोथ हो सकता है। एंड मेक श्योर कि आप अपने हाथ भी साफ करो। मार्केट में बाकी हैं हेयर सीरम के कंपेयर में हैं काफ़ी अफोर्डेबल हैं। आप ऐसे पैसा 699 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। You can leave it overnight and go to sleep and you can wash your hair next day morning. Now I'm using Plick's Rosemary Anti-Hair Fall Shampoo. इस शैम्पू में है 3% rosemary extract, amino acid complex और plant keratin है। ये sulfate free भी है। मेटल हाउ और बालों के नेचुरल ऑयल भी इंटैक्ट रहते हैं। रोजमेरी एक्स्ट्रैक्ट स्कैल्प के ब्लड फ्लो तो इम्प्रूव करता है, ताकि बाल हेल्थी हों और उनकी ग्रोथ भी बेहतर हो। अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स स्कैल्प को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे फॉल हेयर फॉल रिड्यूस होता है। मैं बस कॉन्शियस ड्रॉप लेते हैं और अब स्कैल्प के नो लेकर बालों के टिप्स तक लगती हूँ। ये काफ़ी जेंटल है, मेक्स अ गुड लैथर और ईजिली वॉशआउट भी नो जाता है। और ये माइल्ड है, मतलब मेरा हेयर एंड स्कैल्प के लिए हार्श भी नहीं है। मैं इस शैम्पू को रोजमेरी एयरफॉल एडवांस कंडीशनर के साथ यूज़ करते हैं। इस कंडीशनर में है 3% शी बटर, अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स एंड रोजमेरी एक्स्ट्रैक्ट, जिससे बालों को डीपली मॉइस्चराइज मिलता है। शी बटर से आप डीप हाइड्रेशन मिलता है और साथ में ब्रेकेज और हेयर बिटर के प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस होता है। रोजमेरी से बाल स्मूथ होता है, बालों की नेचुरल शाइन रेस्टोर होती एंड लास्टली बालों सिल्की एंड ईजी टू मैनेज हो जाते हैं। शैम्पू के बाद मैं थोड़ा सा कंडीशनर लेते हूँ और अपने बालों के रूट से टिप्स तक अप्लाई करते हूँ। मैं अपने फिंगर से बालों को जेंटली कोम करती हूँ, ताकि बाल उलझने हैं। कंडीशनर को 2 to 3 मिनट्स तक छोड़ करते लुक वाटर से वॉश करती हूँ, जिससे मेरे हेयर काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हेयर हैं और उलझते भी नहीं। इस रेंज को यूज़ करने से मेरे बाल काफ़ी हेल्थी और मैनेजेबल हो गई हैं। मेरे सिर पर बेबी हेयर ग्रोथ भी हो रही हैं, प्लस मेरे बालों काफ़ी शाइनी हो गई हैं। मैं इस प्रोडक्ट को हाईली रिकमेंड करूँगी। आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट लिंक चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ ट्राई द प्रोडक्ट्स एंड लेट मी नो हाउ इज इट इन द कमेंट सेक्शन। टाटा, बाय बाय गाइस।